किसान भाइयों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी अदरक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अदरक की जो फसल है उसमें अभी एक समस्या नज़र आ रही है, और वो समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जिन किसान भाइयों की अदरक की हाइट ज़्यादा हो चुकी है, उनके यहाँ पर यह समस्या ज़रूर आई होगी। आप अपने प्लॉट पर जाकर ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि समस्या क्या है। अभी जो अदरक की ऊपरी पत्तियां हैं उन पर धब्बे, पीले धब्बे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, और वह पत्ते झुलस रहे हैं और पीले होकर पत्ते खराब हो रहे हैं। तो यह समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी देखने को मिल रही है। आप हमारी अदरक देख रहे हैं, इसमें भी कहीं कहीं पर यह समस्या देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर जहाँ पर अदरक की हाइट ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर यह समस्या देखने को मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो अदरक की फसल है इसकी हाइट करीब 2.5 फीट के लगभग हो चुकी है। इसमें फुटाव भी आप देख सकते हैं, फुटाव भी काफ़ी अच्छा हुआ है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, और नीचे के पत्ते जो हैं काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन ऊपरी पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, उन पर धब्बे आ रहे हैं, स्पॉट बन रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पत्ते सफ़ेद होकर पीले होकर झुलस रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का टाइम जो है अभी दोपहर की 12 बज रही है, और अभी मैंने अपने मोबाइल में देखा जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक जा रहा है। अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री तक है। तो दिन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेज़ धूप गिर रही है और रात का टेम्परेचर वही नॉर्मल रहता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि रात में ओस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिर रही है, और ओस की बूंदें जब गिरती हैं तो वो अदरक की पत्तियों पर, ऊपरी पत्तियों पर जम जाती है, और अदरक की फसल का जो पौधा होता है वो कुछ इस तरीके से अदरक की पत्तियाँ होती हैं जिन पर अगर पानी लग जाए तो वो आसानी से सूखता नहीं है, काफ़ी टाइम तक उस पर पानी जमा हुआ रहता है, चाहे बारिश का पानी हो या फिर ओस की बूंदें हो। ओस की जब बूंदें अदरक की पत्तियों पर गिरती है, ज़्यादा टाइम तक जमी रहती है, तो उसके कारण इसमें ब्लाइट आता है, ब्लाइट यानी झुलसा रोग आ जाता है, जिसके कारण अदरक की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, स्पॉट बन रहे हैं और झुलस रही है। तो यह कारण है इस रोग के आने का। अब मैं आपको बता दूं कि इस रोग का उपचार क्या है। वैसे तो मैंने अदरक में करपा, झुलसा रोग, ब्लाइट के लिए काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको भी आप आई बटन में देख सकते हैं, और उसमें जो ट्रीटमेंट बताया गया है आप उस तरीके से भी इस ब्लाइट को रोक सकते हैं। अगर आपने उन दवाइयों का उपयोग कर लिया है फिर भी यह ब्लाइट आ रहा है, तो अब ऐसे में आज मैं आपको एक नए फंगिसाइड के बारे में बता देता हूँ जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैं जो फंगिसाइड बता रहा हूँ उसका नाम है BASF कंपनी का पायरेक्सर, जिसमें आपको फ्लुक्सा पायरोक्साइड मिल जाता है, उसी के साथ साथ स्ट्रोबिन ग्रुप का पायरोक्लोस्ट्रोबिन मिल जाता है। तो इसमें जो दो कंटेंट है दोनों ही सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं, यानी सिस्टम के अंदर जाकर, पौधे के अंदर जाकर फंगस को रोकते हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे कि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ गिर रही है तो ऐसे में सिस्टमेटिक फंगिसाइड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यह जो फंगिसाइड है जो फंगस पत्तों पर आई हुई है उसको बढ़ने नहीं देता है, उसके जो नए अंकुर निकलते हैं उनको वहीं रोक देता है। तो इस तरीके से काम करता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लाइट को रोकता है, तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि मूंगफली पर जो काले धब्बे आते हैं या फिर आलू पर अर्ली ब्लाइट आता है, तो उस तरीके की समस्या के लिए यह सबसे बेस्ट फंगिसाइड होता है। इसका उपयोग आप अदरक की फसल पर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है। इसकी मात्रा आपको 200 लीटर पानी के साथ 80 ml मिलाकर छिड़काव करना है। वहीं अगर 20 लीटर पानी के साथ आपको मिलाना है तो आप 8 ml का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 15 लीटर का स्प्रेयर यूज़ करते हैं तो 15 लीटर पानी के साथ आप 6 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यह फंगिसाइड लेना है। उसमें आप, अगर आपके अदरक में सुंडियों का प्रकोप है तो आप एक इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं। उसी के साथ साथ ज़रूरी रूप से आप इसमें एक एंटीबायोटिक बैक्टीसाइड या फंगिसाइड मिला सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर विलिडामाइसिन ले सकते हैं। तो इन सभी को मिलाना है, स्प्रे कर देना है। और अब जिन किसान भाइयों के अदरक में थोड़ा सा पीलापन ज़्यादा आ रहा है वो अभी इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट भी ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों से शेयर कीजिए,
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।